ओके, प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न, ये भी एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न फैमिली का हिस्सा है, जो कि कहता है कि आप जब भी नया ऑब्जेक्ट बनाओ तो पुराने ऑब्जेक्ट का क्लोन करो और अपनी प्रॉपर्टीज ऐड करो, एंड वॉयला, हो गया काम खत्म। तो ये क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं इसे। ये कहता है भाई, पहले तो आप प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न में क्रिएशनल डिजाइन का है, और क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन टेम्पलेट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये थ्रू क्लोनिंग क्यों लिख दिया गया है, क्योंकि थ्रू क्लोनिंग बाकी में प्रोटोटाइप होता नहीं है। वहां पे क्या करते हो आप, मेथड करके डॉट क्लोन मेथड आते हैं, उनको आप यूज कर लेते हो, फॉर एग्जांपल जावा। बट यहाँ पे इसका क्लोनिंग का वैसा मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि आप उसका प्रोटोटाइप को पास करो, पुराने वाले ऑब्जेक्ट को, और उसको थ्रू प्रोटोटाइप आप एक्सेस कर लो। प्रोटोटाइप जो होता है ना, मेथड नेम डॉट प्रोटोटाइप, वो ऑब्जेक्ट होता है ना प्रोटोटाइप, तो जावा स्क्रिप्ट में। बाकी मैंने नहीं देखा जावा में, आई हैवंट कम अक्रॉस के प्रोटोटाइप कुछ होता है, शायद होता हो, बता देना। द पैटर्न अलाउज यू फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग एग्जिस्टिंग वन, ठीक है, नोन एज प्रोटोटाइप। हाँ, जब आप कॉपी करते हो ना पेरेंट से, चाइल्ड में लेके आते हो, तो प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट होता है जो शेयर होता है। एक्सटेंड में क्या एक्सटेंड करो, प्रोटोटाइप ही लेके जाते हो ना, या तो आप दिस डॉट करके आप प्रॉपर्टीज शेयर करते हो, या फिर प्रोटोटाइप में दे देते हो, दो ही तरीके हैं, रादर देन क्रिएटिंग न्यू इंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पे ये की है कि यहाँ पे स्क्रैच से नहीं बनते, अगर ये स्क्रैच से बने ना तो फिर ये समझ लेना कुछ और ही है, ठीक है, फिर ये वो नहीं रह जाएगा। इसके लिए कुछ देख लेते हैं, प्रोटोटाइप होता कैसे है। लेट्स मेक इट अ क्लास, क्लास बना लेते हैं, क्लास बनाते हैं हम पर्सन, तो यहां लिख देता हूं मैं फंक्शन, पर्सन मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है। अब पर्सन में मैंने बोला भाई, पैरामीटर्स दे देता हूं, ठीक है। अब इसमें मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज अगर मेरे को शेयर करनी थी, जैसे यूजर नेम है, तो मैं क्या करूंगा, दिस डॉट यूजर नेम है ना, और इज इक्वल टू यूजर नेम, और वो यूजर नेम मैं इधर से ले आता हूँ। तो यही तरीका है ना, आप इजीली मिलने का, आप जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे पर्सन का, तो आपको मिल जाएगा वो। तो या फिर उसका एक और तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पे पर्सन डॉट प्रोटोटाइप इज डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू कुछ भी सेट कर देना। तो या तो ये तरीका है, इन दो तरीकों से ही आप काम करते हो, जो आप टेम्पलेट बनाते हो, ब्लूप्रिंट आप जब भी बनाते हो किसी क्लास का। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये आप चाइल्ड क्लास को पास ऑन कर दोगे। अब बात हो रही है ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे क्लास की बात नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ वो प्रोटोटाइप बताने के लिए मैंने बताया आपको, बट बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। तो समझ लेना, अगर यहाँ पे क्लास आ गई या फंक्शन आ गया ना, तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका इनहेरिटेंस, बट ये इनहेरिटेंस स्लाइटली डिफरेंट है, वरना तो इनहेरिटेंस ही हो गया, फिर उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, राइट, और ये हो गया ओल्ड ऑब्जेक्ट, ओल्ड अंडरस्कोर ओबीजे, ठीक है। अब जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना, न्यू अंडरस्कोर ओबीजे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। अब ये क्या लेता है, ये लेता है दो पैरामीटर, राइट, तो पहला लेगा ओल्ड ऑब्जेक्ट, ओल्ड अंडरस्कोर ओबीजे, है ना, और नया यहाँ पे कुछ आपकी जो न्यू प्रॉप्स आपको पास करनी होंगी, न्यू प्रॉपर्टीज आपको पास करनी होंगी, क्रिएट करनी होंगी, है ना। और ये ध्यान रखना, ये जब भी बनाएंगे ये डीप क्लोन होंगी कॉपीज, तो ऐसा नहीं है आप यहाँ से कुछ चेंज कर रहे हो तो इधर भी चेंज हो रहा है, नहीं, ये डीप क्लोन बनती है ना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको डीप क्लोन बनाना है, वो थोड़ा सा एक मिनट आपको बता देता हूँ। अगर आपने एक दो तीन ओल्ड ओबीजे बनाया, तो ये क्या हो गया, ये शैलो कॉपी हुई है, बट आपने जब ये ले लिया ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ये डीप कॉपी कर दिया, इसमें
कई बार आप खाली ये भी पास कर सकते हो ऑब्जेक्ट लिटरल, या फिर आप इसमें नल भी पास कर सकते हो, तो ये बिल्कुल ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट बन जाए, वो आपके ऑप्शंस है, बट यहाँ पे हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट को समझ लो, इसी का यूज होना है। अगर आप यही नहीं समझोगे ना ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट और प्रोटोटाइप को, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें दो ही चीजों का खेल है, एक इसका प्रोटोटाइप का और एक इसका क्रिएट का, ठीक है। अब इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इसे करते कैसे हैं। और अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना, और अगर मैं बोलते बोलते जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो वो फिर कई बार गलत भी हो जाता है, तो बता देना मेरे को आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, करेक्शन कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी यहाँ पे हम एक पिज्जा नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पिज्जा का एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा आसान रहता है, है ना। क्रिएट पिज्जा, अब ये क्या करता है, ये फंक्शन है। इसमें क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं कि स्ट्रिंग रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आएगा इसको, मेक अ पिज्जा, मेक अ पिज्जा ऑफ, मेक अ पिज्जा विद टॉपिंग्स, ठीक है, ऐसा है। अब ये पिज्जा जो हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये आपका कोई भी, आप इसको थिन क्रस्ट या थिक क्रस्ट या जो भी होगा, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं दिस डॉट, ठीक है, पिज्जा बेस, पिज्जा बेस, राइट। और टॉपिंग्स आपकी कुछ भी हो सकती हैं, तो टॉपिंग्स में आ सकता है आपका दिस डॉट, बल लेट से किसी को ऑलिव चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा चीज चाहिए, है ना। ये बन गया, ये बहुत इजी एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। यहाँ पे फंक्शन नहीं, फंक्शन भी यूज कर सकते हैं बट वो पर्पस नहीं है यहाँ पे, वो फिर एक रैपर बनाते हैं लोग फंक्शन का, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे बिल्कुल एक कोर को ही समझ लेते हैं, अदरवाइज वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और कंफ्यूजिंग और हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लो, दूसरे ऑब्जेक्ट में डालो और यूज कर लो, इतना ही काम है, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं स्मॉल पिज्जा, लेट्स मेक स्मॉल पिज्जा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना था, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करना था, है ना। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, क्रिएट मेरे को क्या चाहिए, पिज्जा। यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, दैट्स फाइन। अब ये सेट करनी पड़ेंगी बेस और टॉपिंग्स, तो मैं कहाँ सेट करूंगा, स्मॉल पिज्जा में सेट कर देता हूँ, है ना। स्मॉल पिज्जा डॉट बेस, लेट्स मेक इट थिन क्रस्ट, थिन क्रस्ट चाहिए था, और स्मॉल पिज्जा में मेरे को फिर टॉपिंग्स चाहिए थी, लेट्स मेक एक्स्ट्रा चीज, और इसके बाद आपको क्रिएट पिज्जा फंक्शन कॉल करना है। किससे कॉल करोगे, स्मॉल पिज्जा डॉट क्रिएट पिज्जा, ठीक है, और दैट इज इट, हो गया काम खत्म। इसे अगर आप चाहो तो इसमें ऑर्डर में लिख सकते हो, ऑर्डर इज इक्वल टू बना देते हैं एंड कंसोल कर लेते हैं इसे, बहुत इजी, ऑर्डर को कर दिया डॉट जेस, नोड डॉट प्रोटोटाइप, मेक अ थिन क्रस्ट विद एक्स्ट्रा चीज। अब आपको लगा सेकंड पैरामीटर का भी यूज हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। यहाँ पे आप बेस बना दो, बेस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, बेस हटा देता हूँ मैं बेस। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसका, ऐसे ही लिखा जाता है ना, ये भी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, हाँ ठीक है। इसमें एक आती है वैल्यू, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, थिन क्रस्ट, सेव कर देते हैं, रिजल्ट अभी भी वही आएगा, ठीक है। तो थिन क्रस्ट आ गया, अब ये कहाँ से आया है, ये इधर से सेट कर दिया था, अदरवाइज आप इसको बाहर से भी सेट कर सकते हो, एक ही बात है, नत्था सिंह एंड जत्था सिंह बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पे स्मॉल पिज्जा था, इसको टॉपिंग ऐड करना या फिर इधर से ऐड करना, सेम रिजल्ट आपको फेच करके देगा। तो इसको आप समझ लेना कि एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने अभी कोई क्लास या फंक्शन यूज नहीं किया,
तो एक ऑब्जेक्ट बनाया था, डेफिनेशन वही क्या रही है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पास करा है हमने पुराने वाला, नए ऑब्जेक्ट से हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करी हैं। तो अगर आप यहाँ पिज्जा डॉट टॉपिंग्स टाइप करोगे कुछ नहीं आएगा, बट स्मॉल पिज्जा डॉट टॉपिंग्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये टॉपिंग्स जो है ये स्पेसिफिक जो है हमारी चाइल्ड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। अब ये प्रोटोटाइप कहाँ है, प्रोटोटाइप अगर आप इसको प्रिंट करवा के देखोगे ना, तो लेट्स सी इसे प्रिंट करवा ही देते हैं, रन करा, ठीक है कंसोल रन कर देते हैं, मेक अ थिन, अब ये ऑर्डर करा है तो स्मॉल पिज्जा को करा देते हैं, है ना, रन करा तो ये आ गया आपका। तो बेस और टॉपिंग्स तो हमारे पास आ गए थे, बट ये जो क्रिएट आया ये इसके प्रोटोटाइप में गया है, ये ही है प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। थैंक यू।